नमस्कार अर्गस ग्राउंड जीरो को स्वागत करुछु। हाथरे दर्शक बंधु बिजुली पई हल्ला बोल आम राज्य में सारा ओडिशा आम देखिछु जे कि भले बिजुली दर प्रतिपात होइतिला पूर्वरु आंदोलन होइतिला एवं राजरास्ता कोल्हाइतिले विरोधी दल कथा कह जाऊ कांग्रेस कथा कह जाऊ बा बीजेपी कथा कह जाऊ किंतु वर्तमान समय पुणी थरे बिजुली बिल दर वृद्धि को नै राजरास्ता को ओल्हाइछे बीजेपी एवं कोरोना काल रे गोटे पटे कोरोना बोझ रहिछि बा कोरोनार कोप चलीछि सारा राज्य में आम देखु कोरोनार कप किभली भाव में बढ़ी पड़ी चली एभली समय आम देखु लोकंर जीविका ना जीविका हर साधारण जनता और एभली समय जदि कोरोना भले समय जदि विद्युत दर को वृद्धि करा प्रतिपाद करी बीजेपी और राजरास्ता को ओल्हाई पांच दिन धरी आज जो पांच दिन धरी आंदोलन कर बीजेपी पक्षर आंदोलन कर विशेषकर जो विद्युत वितरण कंपनी रही कंपनी सम्मुखें ये आंदोलन हो सूचना आसी पहुंची ए बाबतर अधिक सूचना पई आम सीधासल भुवनेश्वर जी सेठे अच्छा आम प्रतिनिधि प्रदीप्त महापात्र प्रदीप्त जानवाक चाहबू बिजुली पई आम देखु राज्य पूर्व आंदोलन करा पूर्व प्रतिपाद करा पुणी थरे राजरास्ता को ओल्हाई बीजेपी पक्षर आंदोलन करा दाबी कौन रही निश्चित भाव में माधुरी आपन जो कथा कहले बिजुली वर्तमान संपूर्ण मानव समाज पाई समस्त गोटे प्रकार आवश्यकता गोटे मौलिक आवश्यकता रे परिणत होई प्रत्येक लोक बिजुली बिना गोटे प्रकार तांकर जीवन जापन ठारु आरंभ करी तांकर रोजगार एवं पाठपढ़ा विभिन्न प्रसंग बिजुली उपरे निर्भर करछि। किंतु आम राज्य रे देखबा को मिलुछि गत किछि वर्ष धरी की गोटे प्रकार बिजुली सेवा बा बिजुली वितरण सेवा ता संपूर्ण भाव विपर्यस्त हो पड़ी ताकू नहीं कि बीजेपी अभियोग कर राज्य सरकार बिजुली सेवा सठिक ढंग से जोगौ ना अधिक बिल रो बोझ जो उपभोक्ता रही साधारण उपभोक्ता रही लदि देमती विभिन्न अभियोग बीजेपी पक्षर गत 14 तारीख ठार अर्थात जुलाई 14 तारीख ठार राज्यव्यापी आंदोलन आरंभ कर आसंता 20 तारीख पर्यंत यह आंदोलन चलो पर्यायक्रमे राज्यर विभिन्न अंचल आंदोलन कर विशेष भाव में बिजुळ वितरण जो ऑफिस गुड़िक रही जो कार्यालय गुड़िक रही से कार्यालय सम्मुखें बीजेपी पक्षर आंदोलन कर आज भुवनेश्वर रे जो डुमडुमारे जो रही बिजुली वितरण जो कारी कंपनी टीपीओडीसीएल रो ऑफिस आगे बीजेपी पक्षर भुवनेश्वर जिला बीजेपी तथा जो खंडगिरी मंडल रही बीजेपी रो पक्षर आज आंदोलन कर जिते बड़े भी जो आंदोलन बीजेपी पक्षर मुख्य प्रसंग रखा जाऊँ जे साधारण उपभोक्ता कहीं समस्यार सम्मुखीन हे से तो सठिक समय बिल दौरान जो एवं सठिक समय बिल पैठ करने सहित से किंतु एभली समय गत आम देखा जी पखापाखि गत वर्षर वर्तमान भितर दुई दुई थर बिजुली बिल बा बिजुली दर वृद्धि है यूनिट पिछा दर वृद्धि है किंतु अनेक एमती कंपानी रही सरकारी अनुष्ठान रही जो मानते 4000 कोटी ऊर्ध ट बिजुली बिल बकाया पड़ी आदाय हो पारे राज्य सरकार प्रदीप्त से कथा तो सामना अनेक कंपनी मैंने आज भी बिल पैठ करना बकाया पड़ रही किंतु साधारण लोक कहीं सरकार लुटुचार जो परिमाण में सेवा से जोगाइबा कथा जो परिमाण से सेवा प्रदान करने कथा से ही परिमाण तो हो निश्चित भाव में सेवा संपूर्ण भाव बाधाप्राप्त हो आपण राजधानी भुवनेश्वर कथा छाड़ू गाँ गहली जेकोस अंचल को आपण जीवे ओडिशार विभिन्न अंचल को अनेक स्थान रे बिजुली खुंटी बड़ी जो पोता जाए नहीं तार टणा जाए नहीं किंतु एमती अनेक लोक अच्छा चाषी अच्छा साधारण लोक अच्छा से पाखक हजार हजार टकर बिल आसूँ अर्थात यह किपरी के त्रुटि आपजे दर्शक मैंने अनुमान करेंगे जे जनक घर को बिजुली कनेक्शन ना किंतु पाखक हजार हजार टकर बिल आसी एमती घटना आम जो विभिन्न जिले में देखिंट क्या पाखक 58000 टकर बिल आसी क्या पाखक लक्षे टकर बिल आसी क्या पाखक 5000 ऊर्ध टकर बिल आसी एमती अनेक चित्र सामना को आसूँ अनेक अभोग आसूँ एवं ता सहित विशेष भाव में जिते बड़े बिजुली दर कहीं वृद्धि होते बड़े सरकार को प्रश्न हो सरकार बा जे रही विभाग मंत्री रही सी उत्तर दे ओईआरसी संपूर्ण सबू दर धार्य कर ओईआरसी धार्य करने ही से दर को लागू कराधारण उपभोक्ता किंतु जिते आम नजर पकाइबा गोटे जहाँ बीजेपी अभियोग आनीला जे ओएचपीसी को जलकर बाबद को पखापाखि 5225 कोटी टंका छाड़ा करा जाइछि
एहा मध्य बीजेपी प्रश्न उठाई जे जदि गोटे कंपनी उपरे कंपनी कंपनी पई आपण जलकर छाड़ करि परिबे 5000 कोटी टंकार तबरे सेही अर्थरे बिजुली दर काहे कि ह्रास करा जाई परिबो नै कारण अनेक तथ्य मध्य सामना को आसी छि जे ओडिसा अन्य जो बिजुली रे हमर बड़का राज्य एवं आमे अन्य राज्य को बिजुली बिक्री करथांति एवं जहाँ बीजेपी अभियोग रही तीन टंका एक पैसा आम बिजुली अन्य राज्य को बिक्री करते किंतु जितेबाला आमर एटी आवश्यक पड़े बिजुली आम राज्य सेतेबाला आम तीन टंका 81 पैसा किणी था अर्थात अधिक दर में आम बिजुली किणी था तेणु यही जो सरकार नीति उपर बीजेपी प्रश्न उठाई सहित सरकार को प्रश्न कर प्रश्न नुहे बारंबार ये प्रश्न उठा जाउछि किंतु सरकार सुनु नहंती पूर्वरु मध्य आंदोलन होइतिला पूर्वरु मध्य प्रतिवाद होइतिला किंतु सरकार सुनि नहंती प्रदीप तो आपण आम सहित लगातार भाव जोड़ी हो रही था पुणि थर आपण निकटक फेरबे किंतु वर्तमान सीधा सड़क आम जी बालेश्वर सेठार अच्छे आम प्रतिनिधि प्रकाश प्रकाश सरकार तो सब बेले देखुचु जो लोकंकर साधारण लोकंकर जो मानकर समस्या रहुचे विद्युत जो मानकु भाकर सठिक सेवा समान पाखरे पहुंचाइबा कथा सेवा तो पहुंचा जाउ नाही बरंग समान कठारु अधिक आदाय करा जाउछि विद्युत बिल निश्चित भाव माधुरी आप जानते हैं तो आज भी बालेश्वर जिले ने सारा राज्य में अनेक गाँव अच्छे जोटि की बिजुली सेवा एपर्त आलुओ कौन देखी ना एने कि सरकार पर से बारंबार दाबी करवल राजनैतिक दल नुहति बालेश्वर जो बुद्धिजीवी मैंने से बारंबार स्वर उठाई कि विद्युत सेवा से कौन ठीक दि जाऊ कारण जो सरकार जो कंपनी प्रीति रही से नृत्त रुंतु और लोक मूँ सेवा जोगे दिंतु ये नहीं कि बालेश्वरवासी बुद्धिजीवी मैंने से बारंबार ओह्ल राजस्ता को प्रथम माधुर आम सहित ना और बीजेपी जो कर्मकर्ता से प्रतिक्रिया ना आज्ञा आम देखी आपण मैंने बारंबार ये विद्युत सेवा को लेकिन सब मैंने प्रतिवाद कर धारणा दे विक्षोभ कर कि क्यों भाव आपको निरंतर सेवा मिल पार ता तो मिलूना अनेकांश विद्युत घन घन विद्युत काट हो अघोषित विद्युत काट ताक कंपानी प्रीति कंपाल कि साधारण लोकटे आज विजुड़ी सेवार वंचित रोचे ना जोबले टाटा को दिगला से सरकार टिकस बढ़ई दे आगु पुणी बढ़े मैंने छमास भर दीटा टिकस 50 पैसा बढ़ईदे आम पैसार प्रतिवाद कलु किंतु सरकार शुणिले ना किंतु आम आशा करूँ जे विद्युत सेवाटा नियमित पाइबू किंतु टाटा नवापर विद्युत सेवा आहरी तल को गला टिकस बढ़ीगला किंतु बर्तमान अघोषित बिजुली काट दिन को सहर मानक 8-10 थर हो घंटे अध घंटे मिनिमम जाहर मानक ग्रामांचल तो लोक सब अच्छा पाखे आप पचारे राति 9 बेले जब चलीगला ता पर दिन 9 बेले लाइन आस सुशासन कर दीर्घ 22 वर्ष धरी शासन लेकिन सरकार लोक सुशासन देव कथा कहते आज भी अनेक गाँ अच्छे आपने जानते हैं बहुत समय अनेक गाँव को बिजुली लोक देखी ना बिजुली खुट पुता है तार टाणा है से बिजुली सेवार वंचित होती आउ एक भी जानते कि कंपानी मानक कोटी कोटी टाँग बाकी पड़ी से आदाय कराऊना कि जो मैंने साधारण लोक गरीब लोक अच्छा खटिका लोक से गोटे प्रकार जुलूम कर हाँ निश्चित आप जोटा कहले सतकता आम जब गोटे मस विद्युत बिल नदेलु आम इलेक्ट्रिक खुंटे आसिक पकईदे सीढ़ी जे लाइन कटा हे किंतु यही बालेश्वर में बहुत बृहत् शिल्प अच्छी जो मैंने 5 कोटी 3 कोटी टाँग लेखा सब रखिंट विद्युत काट है शेष छाड़ भी करदे कि आम गोटे पैसा छाड़ ना आम मसक मस नियमित देवु कितु सरकार जी रहू मु जड़े विद्युत ग्राहक हिसाब से मु तो 92 लक्ष विद्युत उपभोक्ता जो मैंने अच्छा वंचित टिकस कितु अधिक नौ सरकार ना मुझे कहूँ मुझे ग्राहक हिसाब से विद्युत ग्राहक हिसाब से कहूँ सरकार जी रो मु पैसा दे भल जिन नेबी बेपारी मोर लाभ ये ना सरकार मुल पैसा देली बिलाती बिक्री 30 टका 50 टका मुझ 50 टका बिलाती आनबी कि देखला तार देखिए पचा खाई मार मु 30 टका बैगण आनलि 50 टका बैगण आनलि तुम आम तो टिकस बढ़ेल आम पुणी विद्युत सेवा कहीं अवहेला कर निश्चित भाव माधुरी जानता देखो बालेश्वर सहर बुद्धिजीवी प्रश्न उठे यदि आम सठिक बिल पेमेंट करूँ सठिक पैसा देचु कहीं आम सेवा पाइबू ना आगे आपण मैंने आज आम देखीलु बालियार जो विद्युत अफिस् अच्छी से प्रतिवाद करते विरोध करते जे कि सरकार ये महामारी समय विद्युत शुल्क को कमातु घन घन बिजुली पार्ट को मध्य कहतु लोक सेवा जोगातु कि भी सरकार चेतुना देखूँ ओडिशा हूँ बिजुली उत्पादन करार राज्य
किंतु बिजुली उत्पादन करुवा राज्य ही ओडिशा रे विद्युत बिल आप मिनिमम पांच टंका आरंभ हो किंतु दिल्ली गोटे आम पाखु किणिक नौकर राज्य तथापि सी 200 यूनिट पर्यटन मागणा और 2 टंका रेट रे पारे तेणु ओडिशा भाई उत्पादन करुवा राज्य में घन घन बिजुली दर वृद्धि हवा तथा बिजुली दर वृद्धि हवा जी बाधुना ताकू बे बाधुच्छे आप विद्युत काट सहरांचल बालेश्वर टाउन रे प्रत्येक दिन 4-5 घंटा विद्युत काट हो सी भी शिफ्ट वाइज अघोषित विद्युत काट जो बालेश्वरवासी बहुत असुविधार सम्मुखीन होती बालेश्वरवासी असुविधा होती घन घन विद्युत काट आम ग्रामांचल को जी टे माधुरी जेहतु सहरांचल आम दु जन प्रतिक्रिया ना ग्रामांचल जो लोक मैंने सेवा कौ भाई मिलूँ विद्युत सेवा पाँच ना बोध हुए से पैसा दौना बोध हुए से बोध सेवा पा ना प्रतिक्रिया ना आज्ञा दस बार थर कटिजी टिके मेघ आसा देख ला पटिना कटिज गला मेघ पर किसी से दौरान जहा फल कि आम बहुत असुविधा भुगुचु बिल पेमेंट कला नजाने कहीं दब ना मार्च मस हो गला मैंने जबरदस्त नजाने तुम कटिज मार्च मस भी आम तक सब क्लीयर करते आम ठीक भाव सेवा पा ना जदि भी जा घंटे 2 घंटा पर लाइन टाक दौरान से आम से लाइन रम कौन से अपव्यवहार हो जा जो कथा कह जाए कि सेवा पा ना प्राय समस्त कहते हैं सहरा ग्रामांचल आपसे जानता कि विद्युत सेवा सरकार एत दिन रहा लोक को सुशासन जोगाए सुसेवा दिए से कहारे उपयुक्त सरकार पाइए तो आप कौ भाव सरकार जो विद्युत सेवा को कौ भाव पाँच कौ भाव से मिलूँ आपको सरकार आप जी था ना कहीं कथा कौन आप गोटे आप कंपानी जा गए टाटा कंपानी आसला तेणु आपंकर कथा कौन ये नुआ बोतल पुणा मद भाया आप टैक्स दी थर बढ़े टैक्स बढ़े कौन है आम भागुँ टाटा जो पावर आपर डिस्ट्रीब्यूशन आप सिस्टम नर्थ ओडिशा दे पांचटा जिला को नहीं आम कहूँ भल सेवा पाइबे भल तर स्टाफ मैंने भले रे आप ग्राहक मैंने भल सेवा पाइबे आप भल तार दिज्वे केबुल लाइन दिज्व खुंटी भल दिज्व कि खुंटी आप मूल भित्तभूमि ठीक ना आप इनफ्रास्ट्रक्चर तो दरकार आप जो पवन है यस गला आप बहुत खुंटी गुड़ा सब सी पुता होता आप हल डाकि तले आप अच्छी जो क्राइटेरी स्कीम्रे अच्छी चारिपाखे आप दिज्व सीमेंट के पुता जीव तेणु आप टैक्स दूसरा बड़े बड़ बड़ कंपानी की छाड़ करा टैक्स ओके बड़ कंपनी को छाड़ करा दोछे जहां अफिचो कानुछंती विद्युत उपभोक्ता माने सीधा सळक अफिचो कानुछंती या अफिचो ऊपर मध्य आमे आलोचना आगु को जारी रखिबा किंतु समय होछि वर्तमान एक छोटो कमर्शियल ब्रेक ब्रेक पर स्वागत आम आलोचना करूँ जे सारा राज्य में किभली विद्युत विजुली किभली हल्लाबोल अर्थात अघोषित विद्युत काट कर लोकंर अनेक किसी समस्या रही ए बाबदर पुणि थे आलोचना फेरबे प्रदीप्त आपण निकट को प्रदीप्त उपभोक्ता मैंने जो रही सीधासल अभिजोग आणुंजे पूर्व तो दायित्व थिला से सुवर्तमान टाटा को दिजा पर भी स्थित तो यथापूर्व तथा पर लोकंर तो समस्या समाधान हो निश्चित भाव में जितेबले विभिन्न जो डिस्कम कंपानी गुड़िक वितरण कंपानी जो मैंने विद्युत वितरण कंपानी थे आम सेसु कथा कहवा नेस्को कथा कहवा साउथ को कथा कहवा वेस्को कथा कहवा जो सब कंपानी गुड़िकीकरण कराला बर्तमान टाटा पावर कि जो वितरण दायित्व नहीं राज्यर विभिन्न अंचल किंतु सबुठू से ही सबू अंचल साधारण लोकंर से सामान अभोग आसू जे अनेक समय रे अघोषित विद्युत काट होमती कि राति अधरे राति समय रे मध्य विद्युत काट एवं आमे भद्रक धामनगर अंचल मध्य किछि चित्र देखिथिले सेठी लोक माने सीधा सीधा अभियोग आनीथिले दिनकु पाखापाखी 10-12 थर विद्युत काट होमती भी स्थिति रही भुवनेश्वर डुमडुमा अंचल आज जो अंचल बीजेपी पक्षर प्रतिवाद करा से अंचल कि साधारण लोक थे कि माँ मौसी मैंने से मैंने समाने मध्य कहते जे पूर्वर जितेबले से विद्युत व्यवहार करुले से पाखकू पाखापाखी 100-200 किंवा 500 टंका भितर विद्युत बिल आसूला किंतु वर्तमान जब टाटा पावर दायित्व नेलानी ता परवर्ती समय जितेबले विद्युत दर वृद्धि पाई एबे तांको पाखकू 1000-1500 टंका बिल आसुची एवं बिल मध्य समाने पैठ करुछंती किंतु सबु समय केते बेले ग्रामांचल ग्रामांचल गुड़िक जदि आम देखिबा से गुड़ी से अंचल गुड़िक जो लो वोल्टेज समस्या अनेक समय रोची
अनेक समय घंटा घंटा धरिकी अघोषित विद्युत काट कर लाइन जो सजाड़ा बाहन केत जो विद्युत काट कर किसी न जन लोक मान न जन विद्युत काट कर अघोषित भाव विद्युत काट हो भद्रक कथा कहले पाखापाखि गोटे दिन में 10 रु 12 थर से विद्युत काट कर बालेश्वर सामान अभियोग आसुच्छे गोटे दिन में पाखापाखि 4 रु 5 घंटा सेठे विद्युत काट कर ये गोटे बड़ समस्या आसुच्छा प्रमुख समस्या बोली आम कहीपर प्रदीप्त आप सहित जोड़े रही था बर्तमान मुझे सीधा सड़क जावाक चाहिए करंजिया सेठार छिना मो प्रतिनिधि बिंदु सर करंजिया कौन अभियोग आसुच्छे देखते माधुरी एटी वर्तमान जो विद्युत काट जो करघोषित विद्युत काट एवं दर वृद्धि व्यापक बढ़ेबार लगी से लोक मैंने पूरा कौन बहुत असुविधार सम्मुखीन होती वर्तमान कोरोना समय कौटी पैसा आणिकबे अत्यधिक मूल्य वृद्धि जो से निजे बहुत असहाय मन करेंगे पचार भी जाम पाखे जहाँ ग्राहक अच्छा कौन समस्या रही है विद्युत बिल के ऊपर नहीं विद्युत बिल 30 पैसा बढ़ा द्वारा आम आर्थिक स्थिति आज खराब हो जाए COVID-19 अलरेडी समस्त आर्थिक स्थिति बहुत खराब अच्छी विद्युत यूनिट पिछा जो 30 पैसा बढ़ो तो प्रत्येक कंज्यूमर कम से कम 50-60 यूनिट जो बढ़ोच 30 पैसा गला बहुत इफेक्ट पड़ो यह धीरे धीरे वृद्धि ही हो पावर कट भी हो बहुत नाना समय हैरान भी हो नाना हैरान भी गति कर ये देखते माधुरी प्राय चार पांच थर हो विद्युत काट कर बारंबार कहवापर आज पर्यंत तार समाधान हो पारे तेणु आज गणेशराम खुंटिया विधायक नेतृत्व में शताधिक बीजेपी कर्मी आज विक्षोभ करते इलेक्ट्रिक ऑफिस सामने माधुरी ओके वर्तमान समय सारा राज्य में देखुचे कि आंदोलन तेजी ये गोटे लोकंकर प्रमुख समस्या जे बारंबार लाइन कट कर विद्युत काट कर जो कि लोके अनेक समस्यार सम्मुखीन होते कि गोटे बड़ प्रश्न आसुच्छी जदि सेवा सठिक ढंग से मिलूना तो साधारण लोक कहीं लुटुचार सरकार ये गोटे बड़ प्रश्न आसुच्छी पुणि थे फेरवा चाहिए प्रकाश आप निकट को प्रकाश जो कथा सेठाकर बासिंदा अभियोग आणुले बालेश्वर बासिंदा जो अभियोग आसूला पाखापाखि गोटे दिन में 4 रु 5 घंटा विद्युत काट कर प्रकृत में सरकार कहीं कंपनी मानक एत अनुकंपा देखा कंपनी तो अनेक किसी टंका बकया पड़ी सेठारू तो टंका ने कि जो मैंने साधारण लोक अच्छा से टाँग आदाय कर माधुर देखते जो भाई कहते कि लोक जो नुआ बोतल पुराणा मद और सहित कंपानी को अनुकंपा और पाखापाखि जो कंपानी गुड़िक बालेश्वर में अच्छी शिल्प से गुड़िकर पाखापाखि जनका उपर 3 कोटी 4 कोटी टाँग बाकी थे अनुकंपा देखुंटे तृतीय कथा हूँ जे कि भित्तिभूमि अभाव रही लोक मैंने भाई कि नुआ कंपानी जहाँ सरकार जहाँ देवे सेवा पाए कि सेवार पाए वंचित होती सरकार से लुटुच्च आज्ञा कौन कह प्रकृत जो सरकार आप कहते कि आम 4-5 घंटा लाइन कटुची आमर भित्तिभूमि ठीक ना जो कंपनी कर्तृपक्ष सहित सरकार तालमेल चलती मूलचाल चलती अनुकंपा देखते कि गरीब को लुटुच्च सरकार ना बर्तमान आपको सेवा जोगे विद्युत कर्मचारी कर्मचारी जी कर्मचारी शतकड़ा 75 भाग कर्मचारी टेम्पोरारी ठिका कर्मचारी कंट्राक्टर अंडर में काम करती से 20 वर्ष 15 वर्ष धरी काम कले ठिका टेम्पोरारी लाइनमैन टेम्पोरारी हेल्पर टेम्पोरारी जे सीढ़ी बोची टेम्पोरारी परमानेंट करा जाऊना एवं रेगुलर एम्प्लॉय 20% कि 25% तेणु गोटे लोकर पेट न पड़े से सेवा कौन दब ये आज्ञा सरकार से मैंने बड़ बड़ कंपनी को अनुकंपा देखते साधारण ग्राहक जो मैंने उपभोक्ता से देख न ग्राहक विद्युत सेवा जोगा कर्मचारी इंजीनियर मैंने परिपृष्ट होती कंपनी परिपृष्ट हो सरकार परिपृष्ट होती विद्युत कर्मचारी मैंने से 15-20 वर्ष धरी ठिका कर्मचारी अच्छा शतकड़ा 75 भाग स्वाभाविक जो कर्मचारी जी मन कर जो रेगुलर हेले से 50,000 पाइबा कथा ताकू दिखाई 5,000-10,000 क्या था लोक मत हैरान हरकत हूँ आम कि लोक सेवा जोगे मैं गोटे प्रकार रखे मैंने कौन हाँ आमको जो मैंने सेवा जोगे आपण मन करूँ प्रेसर काम कर सर्वनिम्न आवश्यकता जब न मेटिव आप सेवा जोगे अवहेला करेंगे स्वाभाविक जो कर्मचारी मैंने 20-25 वर्ष धरिकी रही ठिका कर्मचारी आम राज्य उत्पादन करलग राज्य को कम बिकुची कि निजे किणुच अधिक दाम लोक सेवा पाए कि सरकार कहीं दृष्टि दूना ना विद्युत सेवा विद्युत अभाव ना आमर केवल एम जोगाणर असुविधा रोज आप भात रांधिदेले हम नहीं परेषण करने लोकर भी भूमिका अच्छी
ଆମର ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ନାହିଁ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର, ପରିବେଷଣ କିଏ କରିବ, ସରକାର କରିବେ ନା? ସରକାର ସରକାର କରିବେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବଣ୍ଟନ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲେ କମ୍ପାନୀକି ଦେଇଦେଲେ, କମ୍ପାନୀର ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବଣ୍ଟନ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲେ, ତଳିଆ ଲାଇନମ୍ୟାନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ରହିଲେ, ସେମାନେ ଠିକାର ରହିଲେ, ସେମାନେ 7,000 8,000 10,000 ପାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ପରମାନେଣ୍ଟ କଲେ 50,000 ସେ ପାଇଲେ। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେବାରେ କମ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଟିକସ ନେବାରେ ଅଧିକ କମ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେବା କାହିଁକି ଯୋଗୁନାହାନ୍ତି? ମନୋବୃତ୍ତି ଅଛି ନା ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କର? ସରକାରଙ୍କର କେବଳ ମନୋବୃତ୍ତିର ଅଭାବ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି, କର୍ମଚାରୀ ହଇରାଣ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ଗ୍ରାହକ ବି ହଇରାଣ, କେବଳ କମ୍ପାନୀ ପୋଷା ହେଉଛି, କିଛି ଇଞ୍ଜିନିୟର ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଧଳାହାତି ପୋଷା ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳିଆ ମାଧୁରୀ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ କି ଯେହେତୁ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ସେବା ଯୋଗାଇବେ, ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପରମାନେଣ୍ଟ ବା କରାଯାଉ ନାହିଁ, ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ? ବାରମ୍ବାର ତ ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି, ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ତାହା ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଯେଉଁ କଥା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗାଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ବା ଯେଉଁ ଘରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଘରେ ମିଟର ଅଛି ତ ସେଠାରେ ମିଟର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଆସୁଛି, କନେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବିଲ୍ ଆସୁଛି, ଲୋକେ ତ ବିଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ସେବା ତ ପାଉନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ, ଏବଂ ସେବା ଏଥିପାଇଁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି କାରଣ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ ବା ବଣ୍ଟନର ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିଛି ତାହା ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ଆମେ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେ, ଯେଉଁ ଫନି ବାତ୍ୟା କଥା କହିବା, ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ କଥା କହିବା, ଏଇ ନିକଟ ଅତୀତରେ ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ କଥା କହିବା, ବା ପୂର୍ବରୁ ଫାଇଲିନ କଥା କହିବା, ଯେତେବେଳେ ବି ଯେକୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିଥାଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ, ଏବଂ ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିଥାଏ, ଏବଂ ସେହି ଅର୍ଥରେ ଏଠି ବିଦ୍ୟୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମି କିପରି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ, ଖୁଣ୍ଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ମିଟର କଥା ଆପଣ କହିଲେ ସେସବୁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ସବୁ କେମିତି ସଠିକ୍ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଲାଗିପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେତେବେଳେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଖୁଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ତାର ଛିଣ୍ଡୁଛି, ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ଧରିକି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ପରେ ଅନ୍ଧାରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ତାହା ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଉପଯୋଗ ହେଉଛି ତ, ତାହା ଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପାରୁଛି ତ, ସେଇଟା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ତାହା ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ ନାହିଁ, କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ତାହା ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ବା ଆଜି ଲୋକେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଆପଣଙ୍କର, ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ ହୋଇଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି ବା ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି, ଆଶା କ'ଣ କରାଯାଉଛି, ସରକାର ଶୁଣିବେ ତ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ତ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ସରକାର ବା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କର ଭୂମିକା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଆଗରୁ ଅନେକ ଥର କୁହାଯାଇଛି, ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଏହି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଥାନ୍ତି, ସରକାର ତା ଉପରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ତା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ୁଛି ତାହା ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ହିଁ ତାହା ବୟାନ କରୁଛି, ଏବଂ ଆଗକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜେପିର ଆନ୍ଦୋଳନ ରହିଛି, 7 ଦିନିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ରହିଛି, 20 ତାରିଖ ଶେଷ ହେବ, ତା'ର ପ୍ରଭାବ ବା ତା ସେ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା, ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ବିଚାର କରିବେ, ଓଇଆର୍ସି ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବା
ଡିଏଫ୍ସି କୁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ ଦରକୁ କିପରି ଭାବେ ହ୍ରାସ କରାଯିବ ବା ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖାଯିବ ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନି ବୋଲି ବିଜେପି ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ମାଧୁରୀ ଆଉ ଏ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି ବା ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଏବଂ କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଯାହା ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି ସରକାର ଶୁଣିବେ ତ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର।